देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है, अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस
कि काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2000 रुपया रहेगी, फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4000 रुपया कर दिया जाएगा। वैसे तो 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे, परंतु सामान्य जनजीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स मतलब कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। जैसे 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। इससे वैसे परिवार जिनमें कोई बीमार है उन्हें उपचार में कोई बाधा ना आए, ऐसे सरकारी अस्पतालों में यदि दवाई की दुकान की व्यवस्था है तो डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर 500 और 1000 के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे ही 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। ऐसा हमने उन परिवारों की जरूरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दुकान जैसे केंद्रीय भंडार, सफल और दुग्ध विक्रय केंद्र, मिल्क पावर, ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी।
इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल एवं सीएनजी गैस स्टेशन रिटेल आउटलेट जहां पर पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। शवदाह गृह, स्मशान गृह, क्रेमेटोरियम ऐसी जगहों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1000 के नोट है तो ऐसे नोटों की 5000 रुपया तक की राशि को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5000 रुपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन देन में यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा। इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है। जब मैं सुनता हूं कि कोई गरीब विधवा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने में आगे आती है, यह त्याग एक रिटायर्ड स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पेंशन से स्वच्छ भारत कोष में अपना योगदान देने को आगे आता है। जब हम ये सुनते हैं कि गरीब आदिवासी मां बकरी बेचकर शौचालय बनाने के लिए पैसे लगा देती है, एक फौजी अपने गांव को स्वच्छ गांव बनाने के लिए 57,000 रुपए का दान देने के लिए आगे आता है। मैंने तो यह देखा है कि देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, बस देश का कल्याण हो। अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई वह भी कुछ दिनों के लिए तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एकजुट होकर के मिल करके खड़ा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के इस उत्सव में, प्रामाणिकता के इस पर्व में आप बढ़ चढ़ करके हाथ बटाएं।
मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया, समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, सकारात्मक भूमिका अदा कराएंगे और इस पवित्र कार्य को सफल बना के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बातें जब सब मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसी समय सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है। बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, उनके अधिकारियों को भी इस विषय की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इस काम में गोपनीयता बहुत ही आवश्यक थी। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को कम समय में बहुत सारी व्यवस्था करनी उनके सामने है, काम बहुत बड़ा है। इस व्यवस्था में कुछ समय तो जाएगा, इसलिए रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है कि 9 नवंबर को सभी बैंक पब्लिक कार्य के लिए बंद रहेंगे। नागरिकों को असुविधा होगी, मेरा पूरा भरोसा है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस के काम करने वाले सभी साथी देश हित में इस पवित्र कार्यक्रम को सफलतापूर्वक परिपूर्ण करेंगे। भूतकाल में उन्होंने ये करके दिखाया है। मेरा जनता जनार्दन से इतना ही आग्रह है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को सहयोग करें। यही मेरी उनसे आग्रहपूर्वक विनती है।